गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के जो क्वेश्चन से वो आगे तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 7th के चल रहे थे। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 11, कहते हैं द साइड लैंगेज ऑफ ए टॉप ऑफ स्क्वायर टेबल इज एक्स। एक हमारे पास स्क्वायर है, टॉप ऑफ ए टेबल हो गया, टेबल का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है जिसके ऊपर हम चीज़ें रखते हैं उसकी शेप क्या है, स्क्वायर। और एक साइड की लेंथ कितनी है, एक्स। द एक्सप्रेशन फॉर पेरीमीटर, पेरीमीटर के लिए कौन सा एक्सप्रेशन बनेगा। देखो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है, 4 × साइड। तो 4 × साइड क्या है यहाँ पे, एक्स। तो यहाँ पे क्या बनेगी, 4 × x, 4x। 4 + x नहीं होगा, देखो 4 + x नहीं है ये। अगर 4 को हम एक ही टाइम एक्स कर रहे हैं, तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक्स को मान लेता हूँ 2, 4 + 2 कितना हो गया, 6। अगर 2 है, अब देखो स्क्वायर है, स्क्वायर का एक साइड 2 है, तो पेरीमीटर कितना होगा, अब फॉर्मूला में मत लगाओ, 2 + 2 + 2 + 2 वो हो गया 8। लेकिन यहाँ पे हमें कितना बता रहा है, यहाँ पे 6 बता रहा है, इसलिए 4 + x नहीं है, यहाँ पे क्या है, 4x। यहाँ पे आगे दिया हुआ है, वी नो दैट द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है, 4 × साइड। फ्रॉम द क्वेश्चन इट इज़ गिवन दैट साइड लेंगे तो टॉप स्क्वायर इज एक्स। तो यहाँ अब देखिए 1 × 3x² y − 1 × 3 8x² y इज ए लाइक टर्म ऑफ। अब देखो ये जो नीचे चार दी है ना, ए बी सी डी, ये चार टर्म्स है, अलग अलग टर्म्स, आपको बताना है इनमें से लाइक टर्म कौन सी है, मतलब कि लाइक टर्म किसके साथ, ऊपर वाले के साथ, जो उसके वेरिएबल है वो यहाँ पे भी होना चाहिए, फिर हम उसको कहेंगे कि ये इनमें से एक उसकी लाइक टर्म है। देखो वहाँ पे वेरिएबल क्या है, x² y, ए में है x y square, नहीं हमें x² y, तो d 10 x² y, ठीक है। द वैल्यू ऑफ 3x² − 5x + 3 व्हेन x इज कॉल्ड 1। अब देखो आपके पास एक इक्वेशन, सॉरी आपके पास एक एक्सप्रेशन दिया गया है। अब इसमें एक्सप्रेशन में क्या होता है, वेरिएबल होता है, वेरिएबल को हमें पता है वेरिएबल कोई भी वैल्यू ले सकता है, तो वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है, 1 दी है, वेरिएबल की वैल्यू कितनी दी है, 1 दी है, तो ठीक है। तो आपको जहाँ जहाँ पे वेरिएबल मिलेगा वहाँ पे उसकी क्या डालनी है, वैल्यू डालनी है, 1। देखो यहाँ पे है 3x² − 5x + 3, 3 × x के बदले क्या लिखो, 1 का स्क्वायर, 1 और ऊपर स्क्वायर, 1 क्यों लिखा, क्योंकि x की वैल्यू 1 है, −5 × 1 + 3, 1 को 1 स्क्वायर मतलब हो गया 1 को दो टाइम्स लिखना है, 1 × 1 कितना हो गया, 1, तो ये हो गया 1 × 3 कितना हो गया, 3, 5 × 1 कितना हो गया, 5 + 3। अब देखिए 3 और 3 हो गए 6 − 5 तो जब हम 3x² − 5x + 3 की वैल्यू x = 1 डालेंगे तो वहाँ पे हमारी जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। अब यहाँ पे सवाल है द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर, ये और है, यहाँ पे साइड है स्क्वायर, उसका लेंथ कितनी है, 2x + 3, तो पेरीमीटर क्या होगा, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 × 2 हो गया 8x + 3, अब देखो यहाँ 8x + 3 हो गया सी पार्ट। अब फिल इन द ब्लैंक्स है, सम और डिफरेंस ऑफ टू लाइक टर्म्स, दो लाइक टर्म्स के बीच में अगर हम सम करेंगे डिफरेंस करेंगे बताओ वो क्या होगा, वो क्या लाइक टर्म आएगी, हाँ वो लाइक टर्म आएगी। अब देखो 2y and 3y, अब इसको प्लस करो तो क्या होगा, 2y + 3y = 5y, 2y − 3y = −y। अब देखो यहाँ पे एक क्या है, जब जो लाइक टर्म होती है ना तो हम वेरिएबल देखते हैं, कोएफिशिएंट नहीं देखते, कोएफिशिएंट जब प्लस या माइनस हम करेंगे कोएफिशिएंट चेंज हो जाएगा, लेकिन वेरिएबल तो सेम रहेगा ना, वेरिएबल को हम ऐड या माइनस नहीं, ये ऐड या सब्ट्रैक्शन नहीं करते, हम जो कोएफिशिएंट होता है उसको करते हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने किया 2 + 3 हो गया ना, तो y तो सेम ही रहा, तो हमेशा लाइक टर्म क्या रहेगी, सेम रहेगी। इन द फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है, πr². द न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट ऑफ एक्सप्रेशन πr² इज़,
तो कहते हैं इसमें जो कांस्टेंट है पाई, कांस्टेंट कौन है? देखो आर जो होता है रेडियस ऑफ ए सर्कल होता है, ये कांस्टेंट नहीं हो सकता, आर वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, ये कोई भी वैल्यू ले सकता है। लेकिन जो पाई है ये हमेशा इसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। पाई की वैल्यू क्या रखी गई है, 3.14 अप्रॉक्सीमेटली।